गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रानी। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन है दबा दे, दबाने के बाद बेल आइकन को भी दबा दे। आज मैं आपको पालक पनीर की रेसिपी दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा और कितना लजीज ये पालक पनीर बना है। इसकी रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे पालक लिया है। उसके बाद मैं इसे गर्म पानी करके इस पालक को उबाल लूँगी। इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि अच्छे से, बस 5 मिनट में ये उबल जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं इसे छान के निकाल लूँगी, इसे अच्छे से ठंडे होने दूँगी। उसके बाद मैं इसे मिक्सर में पीस लूँगी। इस तरह से मैंने पीस लिया है। उसके बाद मैं जब तक, इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज काट के रखा है, 1 हरी मिर्च, जीरा और 1 कश्मीरी लाल चिली। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर का पैकेट लिया था। इसे मैंने अच्छे से पीस पीस काट के मैंने इसे अच्छे से छान के मैं निकाल लूँगी। पनीर को थोड़ा छान देने पर टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसे छान दिया है। इस तरह से मैंने इसे छान के रख लिया है। उसके बाद मैंने इसमें जो मैंने साबुन जीरा लिया था उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें अच्छे से प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज को थोड़ा और सौते होने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे ढक के 2 मिनट, वो जब तक पक रहा है तब तक मैं इसे मसाला तैयार कर रही हूँ। जीरा और जो मरीच होता है मैंने उस ब्लैक पेपर मैंने उसे पीस के यहाँ पे रखा है। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने लाल चिली मैंने उसे पीस के रखा था। अब इसे मैं थोड़ा पानी रख के मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मसाला बिल्कुल देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें पालक जो मैंने पीस के रखा था उसे ऐड कर दूँगी। इस तरह से इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका पूरा रंग इस तरह से ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा ये फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी हल्का सा, उसे अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद मैंने जो पनीर छान के रखा था मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने 1 हरी चिल्ली लिया था मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मैं इस पनीर को मिला लूँगी इस तरह से, और इसे 5 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पे इसे ढक के पकाऊंगी। देखिए ये कितना अच्छा और कितना लजीज बना है। मैंने 2 मिनट पकाया है, 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं बटर ऐड की हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा हल्का सा बटर ऐड किया है। अब आप देखिए कितना अच्छा बना है। मैं इसे सर्व करके आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा और कितना यमी बना है। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड। आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो पर, लाइक नहीं करते। एक लाइक थोड़ी भी अच्छी लगती है, एक लाइक करना फ्रेंड। अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।